मेरठ जिले में रविवार को कोरोना के 215 नए मरीज मिले। वहीं मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में रविवार को कोरोना संक्रमण से 3 मरीजों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार शामली, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के एक एक मरीज की मौत हो गई है। ये तीनों ही मरीज 60 साल से अधिक की उम्र के थे। CMO डॉक्टर अखिलेश मोहन के अनुसार कोरोना के लिए गए 5,334 लोगों के टेस्ट में से 215 नए मरीज मिले। नए मरीजों में सरकारी कर्मचारी व शिक्षक व बच्चे भी मिले हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,701 पहुंच गई है, जबकि जिले में कोरोना संक्रमण से अभी तक 369 मौत हो चुकी है, जिसमें 15,208 मरीज अभी तक डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिनमें 2,124 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना संक्रमित मिले मरीजों को मेडिकल कॉलेज और अन्य कोविड सेंटरों में आइसोलेट कराया जा रहा है। रविवार को 141 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। 1 साल से बच्चे से लेकर 41 वर्ष के वृद्ध भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें सेंट थॉमस इंटर कॉलेज के एक शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।